नमस्कार, मैं हूँ दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। क्राइम ब्रांच ने गिरगांव से 10,000 के इनामी बदमाश शेलू उर्फ उपेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गुड़ा क्षेत्र में बच्चा चोरी के संदेह में जनता ने बालाबाई के बाजार निवासी रमेश जैन की पिटाई कर दी। कश्मीर के धारा 317 हटाने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित बंगले पर आतिशबाजी की। और पनियास्थित श्री आदेश्वर धाम में भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष सप्तमी के अवसर पर लाड़ू चढ़ाया गया। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में धारा 317 हटाने को लेकर भाजपा नेता पूर्व सांसद जयवान सिंह पवैया ने बयान दिया कि अब कश्मीर को असली आजादी मिली है। उन्होंने यह बयान पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के इस फैसले ने और उनके फैसले का अनुमोदन करके भारत की संसद ने आजादी में एक नया स्वर्णिम इतिहास रचा है। भारत माता के मस्तक कश्मीर पर एक काला धब्बा 70 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया धारा 370 के नाम पर। 370 को विच्छेद करके और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके भी हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी ने हजारों हजारों लाखों लाखों देशभक्तों का सपना पूरा किया है। और मैं ये मानता हूं कि 1953 में जिस संकल्प को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर कूच किया और कश्मीर की धरती पर अपना बलिदान दिया, एक एक इंच माटी हिंदुस्तान का हिस्सा है, संकल्प को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 46,000 से ज्यादा हिंदुस्तान के देशभक्त और सैनिकों की शहादत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दी। पूरा भारत इस समय हर्ष और गौरव में डूबा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत क्षोभ के साथ कहना पड़ता है, जब देश का प्रश्न आता है तब हम राजनीति के दायरे में सिमटना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1949 में धारा 370 थोप कर और 52 में 35A का अनुच्छेद असंवैधानिक तरीके से जोड़कर बिना पार्लियामेंट की अनुमति के पंडित नेहरू ने जो एक नासूर पैदा किया था भारत माता के मस्तक पर, घाव पैदा किया, उस पाप का प्रायश्चित करने का एक ऐतिहासिक मौका मिला था कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, अध्यक्ष विहीन एक बड़ी पार्टी को। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनके पूर्वजों ने भारत माता को कष्ट दिया, 370 का घाव लगाया, वे आज भी वहां खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के लोग भारत के पार्लियामेंट में दोनों सदनों में उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भाषा पाकिस्तान की संसद में बोली जाती है। क्या हम परोक्ष रूप से आतंकवाद को और पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर रहे? क्या ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का अधिकार बचा है? सारे देश में आक्रोश है और मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास कभी कांग्रेस और ऐसे लोगों को जिन्होंने 370 हटाने का विरोध किया है कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। इतिहास ये कहता है कि हिंदुस्तान की 565 में से 564 रियासतों का बेशर्त विलय कराने वाले भारत के लोह पुरुष सरदार पटेल के रास्ते में लगातार पंडित नेहरू ने कांटे बिछाए थे। कश्मीर का मामला नेहरू जी ने अपने हाथ में लेकर शेख अब्दुल्ला से प्रेम के कारण पैदा किया। उस समय तो कांटे बिछाए थे, लेकिन आज स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल के सच्चे अनुयायी नरेंद्र भाई मोदी के मार्ग में नेहरू जी के वंशज
और नेहरू जी की पार्टी आज भी कांटे बिछाने से बाज नहीं आ रही। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गिरगांव से 10,000 के इनामी बदमाश शेरू उर्फ उपेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसके पास से पिस्टल बरामद की गई है। ये शैलू उर्फ उपेंद्र गुर्जर एक ये निवासी भितरवार का है। इसके ऊपर कई मामले हैं, हत्या के प्रयास के, डकैती के, पुलिस पार्टी पर हमला करने के। इसको सूचना मिली थी कि गिरगांव महाराजपुरा क्षेत्र में आ रहा है अपने साथियों के साथ में, तो क्राइम ब्रांच की टीम ने, थाना प्रभारी और साथ में अन्य टीम सदस्यों ने जाकर के घेराबंदी की और इसको वहाँ पर गिरफ्तार किया। इसके पास से एक पिस्टल और राउंड मिले, जिंदा राउंड मिले हैं। और ये जो बिलौआ थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, लूट हुई थी, इसके साथ में हत्या के प्रयास हुए थे, नाबालिग लड़की के अपहरण का, इस पर मामला दर्ज है। पुलिस पार्टी पर हमला में मुरैना में दर्ज है। इस पर दोनों जिला की पुलिस से, ग्वालियर से और मुरैना पुलिस से इनाम भी घोषित था। इसको गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है और शीघ्र ही इससे जो अन्य अपराधों में जिसमें इसकी शामिल रहा है, ये उनके बारे में पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कितना नाम था और किस उद्देश्य से ग्वालियर आए हुए थे? इसके ऊपर 5,000 ग्वालियर पुलिस और 5,000 जो मुरैना पुलिस है उसकी तरफ से इनाम था। और ये क्या वारदात में यहाँ एक्टिवली आया हुआ था, ये पूछताछ और जब PR लेंगे और घटनाक्रम सामने आएंगे। गुड़ा क्षेत्र में बच्चा चोरी के संदेह में जनता ने बालाबाई का बाजार निवासी रमेश जैन की पिटाई कर दी। रमेश हलवाई का काम करता है। माधुगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला को संज्ञान में लिया। कश्मीर में धारा 317 हटाने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित बंगले पर आतिशबाजी की। जिन जिल भाई
ठीक है भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जिस उद्देश्य को लेकर जनसंघ की स्थापना हुई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था और जो 370 विधेयक एक देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे, इसको लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के 370 का विरोध किया था और उसके बाद वो बिना परमिट के जम्मू गए थे। और जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था और भी सरदार पटेल ने देखा था, उस सपने को साकार करने का आज पूरा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो क्या, भारत का एक एक नागरिक प्रफुल्लित है, खुशी का इजहार कर रहा है। इससे बड़ी सौगात इस देश को नहीं मिल सकती है। आज देश में वो काम हुआ है, भूलने तो व्यवस्थित ही इतना बड़ा काम हुआ है, किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के निवास पर आज हम लोग आतिशबाजी मिठाई वितरण कर रहे हैं। हम अपने ग्वालियर के लाडे नरेंद्र सिंह तोमर, जो ग्वालियर में रहकर और मुरैना के सांसद रहकर मंत्री रहकर इस मध्य प्रदेश की शान बढ़ा रहे हैं और इस मध्य प्रदेश की शान को बढ़ाया है, उनको भी हम अपने हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ग्वालियर के शंकरपुर इलाके में बच्चा चोर गिरोह के संदेह में जनता ने एक महिला और दो पुरुष को पकड़ कर उनकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। जैन धर्म के 23वीं तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण दिवस पर चंपावाक धर्मशाला में 23 किलो का निर्माण लड्डू मुनिश्री संस्कार सागर महाराज के सानिध्य में चढ़ाया गया।
घर जा रहे तीन छात्रों को बच्चा चोर बाबा पकड़ कर ले जा रहा था, तभी उसे जनता ने पकड़ लिया और पिटाई लगा दी। मुरैना जिले के बिहारी कॉन्वेंट स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर पर जा रहे तीन छात्रों को बच्चा चोर बाबा हनुमान चौराहे से पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था, तभी एक बच्चे ने शोर मचा दिया जिससे पाकिस्तानी लोगों ने बाबा की जमकर पिटाई कर दी और बाबा को स्टेशन थाने भी ले गए, जहां पर जिनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इन दिनों मुरैना शहर में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। मुरैना शहर की आम जनता अब बच्चों को अकेले स्कूल भेजने के लिए भी भयभीत है। पुलिस प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चा चोर गिरोह की समस्या खत्म हो जाए और आम जन अपने बच्चों को फिर से पहले से जैसे स्कूल भेज सकें। कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, कौन सी कक्षा में पढ़ती हूँ, क्या हुआ है स्कूल जा रहे फिर क्या हुआ? फिर है ना बाबा ने मामू खड़े थे, तो है ना वो चिल्ला नहीं मामू बाबा से, तो मामू भाग चलते आए थे, तो है ना फिर है नहीं वो है ना हमें अंदर ले गए और है ना जो बाल लोग थे ना उन्होंने उनकी मतलब उनको मार लगा रहे थे उनकी बाबा से। तो बाबा आपको पकड़ने के लिए कुछ देर पहले की बात है कि आपका रिसेंटली एक जानकारी प्राप्त हुई कि पुल चौराहे और हनुमान चौराहे के बीच में एक बाबा जैसा व्यक्ति कुछ बच्चियों को अपहरण कर रहे थे, अपहरण करके ले जा रहा था। मौके पर जाकर देखा गया तो जो वहाँ पर जो बच्ची थी उसके द्वारा बताया गया कि ये उसको कहीं ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पब्लिक के द्वारा वहाँ पकड़ लिया गया। हालांकि उसके साथ काफ़ी मारपीट कर दी गई, मौके से बाबा को भी सूरी कुशवा नाम उसने बताया है उसको मारपीट कर ली, इसलिए पहले मेडिकल कराया जाएगा उसको और उसके बाद जब जैसा भी स्थिति बनेगी उनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई जाएगी लिख करके कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। परिहार स्थित श्री आदेश्वर धाम में भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष सप्तमी के अवसर पर लाड़ू चढ़ाया गया। बोल पानियार वाले बाबा की जय, बोल मोक्ष सप्तमी की जय। Yeah, yeah.
समाचार एक बार फिर। क्राइम ब्रांच ने गिरगांव से 10,000 के इनामी बदमाश शेलू उर्फ उपेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गुड़ा क्षेत्र में बच्चा चोरी के संदेह में जनता ने बालाबाई को बाजार निवासी रमेश जैन की पिटाई कर दी। कश्मीर के धारा 317 हटाने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवि सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित बंगले पर आतिशबाजी की। और पनिया स्थित श्री आदेश्वर धाम में भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष सप्तमी के अवसर पर लाड़ू चढ़ाया गया। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।